कैसे हो मेरी YouTube फैमिली। मेरे हिसाब से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बस ये मौसम चेंज हो रहा है, आप अपने ध्यान रखिए। यहाँ पे भी वही भली मौसम है, बारिश, कभी धूप कभी बारिश। देखिए एक व्रत का थाली है, ये व्रत का थाली का रेसिपी है। देखिए क्या क्या मैंने बनाया है, आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मूंगफली लिया हमने आधी कटोरी, उसको फ्राई कर लिया स्लो मीडियम फ्लेम पे। फिर उसमें एक चम्मच घी डाला और फिर वो थोड़ा सा जीरा डाला आधे चम्मच। व्रत के लिए ये थाली है, 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाए, इतना टेस्टी बनती है ना, आप खुद एक बार ट्राई करिए। इसमें थोड़ा हरी मिर्च डाली और थोड़ा धुआं धुआं आ रहा, प्लीज आप इग्नोर कर दीजिए। थोड़ा सा बस मैं टमाटर डाला। हम तो इसमें बिना नमक का थाली बना रहे क्योंकि बृहस्पति का थाली, इसीलिए हम नमक खाते नहीं इसमें। आप लोग डाल भी सकते सेंधा नमक, हम बिना नमक का ही खाना खाते हैं। तो हम अपने लिए बना रहे थे तो हमने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। सिंपल सी थाली पर फटाफट बन जाती, बट टेस्ट बहुत अच्छी बन लगती है इसकी थाली। देखिए कितनी तेजी से फटाफट बढ़िया फ्राई हो रही है सब्जी एक साइड, और दूसरी साइड मैंने चाय चढ़ा लिए थे। देखिए चाय भी बन रही है, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। बस चाय बन रही है जब तक ये सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। फिर थोड़ी जो फ्राई हुई मूंगफली रखी हुई थी कटोरी में, उसको भी हमने उसमें ऐड कर लिया। बस बन गई मेरी सब्जी, चाय भी खोल रही है, बन चाय भी बन रही बढ़िया। और फिर जब तक का फिर हमने आटा साना, इसी आटे में थोड़ा सा हल्दी डाला क्योंकि वो बृहस्पति में पीला है खा जाती, इसीलिए हमने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लिया उसमें। हर बार सब लोग तो रोटी पराठा पूड़ी सब बनाते पर रोटी कोई नहीं बनाता, पर ये वाला रोटी अब व्रत में भी खा सकते क्योंकि ये है ना इसमें पत्थर लगती है, पत्थर लगने से ये जूठा हो जाता है, कहते हैं नहीं खानी चाहिए। पर ये वैसे भी ना पर्थन की पूरी तरीके बनेगी, पर इसमें घी नहीं लगेगी, देसी घी थोड़ा सा डाल दीजिए। वैसे जैसे आप लोग डीप फ्राई नहीं कर सकते तो बिना उसके बिना घी के भी आप बना सकते हैं। बस दो थोड़ा सा वैसे होना, ज्यादा टाइट होना, ज्यादा मुलायम हो, बिल्कुल सिंपल सा हो बस। और दूसरे चटनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने आटा को रेस्ट के लिए रख दिया था, चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें दो टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च, मीठी वाली चटनी बनाएंगे हम, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, कालोंजी अलोंजी कुछ बोलते हैं, वही है ये मीठी वाली। देखो एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाला, उसमें सौंफ डालेंगे हम, जीरा नहीं। देखिए थोड़ा सा आधा टीस्पून हमने सौंफ डाल दिया, सौंफ हल्का सा हो गया, उसमें वही जो टमाटर हरी मिर्च कटे हुए रखे थे वो डाल दिया। जो वो थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करनी है बस उसको ढक दीजिए, 5 मिनट में पक जाएगी। उसके बाद आप उसमें गुड़ और चीनी दोनों में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अच्छी से पक गई है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी थी तो हमने उसको चमचा से मसल दिया, वो अच्छी से मैश हो गई है। और हमने उसमें ऐड कर दिया चीनी रखी थी कटोरी में, हमने 3 चम्मच चीनी ऐड किया। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल खाने की स्वादिष्ट स्वाद बढ़ा देती है ये चटनी तो साथ में हो तो एक बार जरूर। अब सिंपल कुछ नहीं लगती, ना समय लगती बनने में, ना तो उसमें कोई ज्यादा सामान की जरूरत है। देखिए वो रोटी बना रहे, आटा क्योंकि अच्छी से सेट हो गई थी। थोड़ी सी रोटी ना नॉर्मल रोटी से हल्की सी मोटी रहती है, आप देख लीजिए हल्की सी मोटी है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन रही है रोटी। आप भी कभी भी जब जैसे तावा पे ना बनाना हो, कढ़ाई में बनाने की मन हो आप, तो ये जरूर रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल दिनों में भी आप व्रत ना भी हो तब भी बना करके खा सकते हैं। जैसे जब कभी मन नहीं करता पूरी पराठा खाने की तो आप बना भी सकते हो ये रोटी, क्योंकि इसमें पत्थर नहीं लगती ना, तो आप व्रत में भी खा सकते हो। पत्थर लगने में व्रत में कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बन रही रोटी, बिल्कुल फुली फुली बन रही। देखिए बन गई है रोटी,
ये देखिए मेरी थाली लगा रहे हैं, वही चटनी भी बन गई है। चटनी ले लिया मीठी वाली, जो हमने आलू फ्राई किया था वो भी ले लिया। प्रसाद के लड्डू है, और बिना चने दाल गुड़ की तो फिर थाली अधूरी है, क्योंकि बृहस्पति की थाली है ये। आप लोग भी आ जाइए, बस भगवान के भोग लगाने जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। राधे राधे।